आज हम लोग बात करेंगे क्लाउडवेज की एक नई पार्टनरशिप के बारे में जो कि यूजर्स को यहाँ पर एक काफी अच्छी डील दे रहा है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, होस्टिंग के रिलेटेड भी मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं यहाँ पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउडवेज और क्लाउडफ्लेयर के बीच में जो अभी नया कोलैबोरेशन हुआ है उसके बारे में। अब यहाँ पर आपको क्लाउडफ्लेयर एंटरप्राइज मिल पाएगा क्लाउडवेज के ऊपर एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। इससे पहले मैं यहाँ पे प्राइजिंग के ऊपर आऊँ, कुछ बेसिक डिटेल्स कवर कर लेते हैं कि ये क्या है, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, किसको ये लेना चाहिए, किसको ये नहीं लेना चाहिए। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्लाउडवेज क्या है। जो मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है, जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि क्लाउडवेज एक मैनेज्ड होस्टिंग प्रोवाइडर है जो होस्टिंग प्रोवाइड करता है ऑन टॉप ऑफ अनमैनेज्ड होस्टिंग प्रोवाइडर्स लाइक डिजिटल ओशन, AWS। मैंने यहाँ पर काफ़ी रिकमेंड किया है क्लाउडवेज को। इनफैक्ट जो मेरी वेबसाइट है, जो मेरा ब्लॉग है कृपेशआडवाणी.com, वो भी क्लाउडवेज के ऊपर ही होस्टेड है। और अगर आपको और जानना है इसके बारे में, इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, तो वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जाके इसका रिव्यू देख लो। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी है क्लाउडवेज से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि क्लाउडफ्लेयर है क्या। क्लाउडफ्लेयर एक DNS सर्विस है जो हमें प्रोवाइड करता है DNS स्पीड, सिक्योरिटी और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वो देता है। तो इसके बारे में मैंने एक फ्री वीडियो में बताया था कि क्लाउडफ्लेयर क्या है, क्लाउडफ्लेयर के फ्री वर्जन को कैसे यूज़ करना है, कैसे सेटअप करना है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो फ्री वर्जन के ऑब्वियसली यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो उसका पेड वर्जन है उसके भी यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो इनका क्लाउडफ्लेयर एंटरप्राइज वर्जन है उसके तो और भी ज़्यादा बेनिफिट्स है कम्पेयर टू देयर पेड वर्जन। तो पहले हम लोग बात करते हैं क्लाउडफ्लेयर एंटरप्राइज के बेनिफिट्स के बारे में। ये अभी मैं क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट के ऊपर हूँ, यहाँ पे आपको 4-5 प्लान्स दिख रहे होंगे। पहला जो फ्री है, अब यहाँ पर प्रो है, बिजनेस है, एंटरप्राइज है, हमें क्लाउडवेज के साथ यहाँ पे एंटरप्राइज मिलेगा। तो मैं एंटरप्राइज के बेनिफिट्स के बारे में बात करता हूँ। जो इसमें आपको मेन बेनिफिट मिलेगा वो रहेगा CDN के ऊपर, स्पीड के ऊपर। CDN यहाँ पर आपको हालांकि सभी में मिलता है, लेकिन CDN के जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एंड यहाँ पे एर्गो स्मार्ट राउटिंग भी है, तो इससे बेसिकली लेटेंसी यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है। मैंने इस पर टेस्ट भी किए हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। एंड टीयर्ड कैशिंग है, तो बेसिकली जो रीजनल Tier 1 वाले जो डेटा सेंटर्स है वो यहाँ पर यूज़ होंगे एंटरप्राइज के लिए। तो बेसिकली अच्छे डेटा सेंटर्स यूज़ होंगे, कम लेटेंसी रहेगी, ज़्यादा अच्छी स्पीड रहेगी। इसके बाद जो एक और चीज़ मिलेगी वो रहेगी ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी और मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज कर लेगा। देन जो उसका तीसरा एडवांटेज रहेगा वो रहेगा फायरवॉल। यहाँ पर आपको WAF का सपोर्ट मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी फायरवॉल है और काफ़ी सारे DDoS अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है इनका एंटरप्राइज प्लान। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो क्लाउडफ्लेयर एंटरप्राइज की प्लान की प्राइसिंग यहाँ पे दी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा जो एंटरप्राइज लेवल की प्राइसिंग आती है वो आती है पर मंथ $1,000 से लेकर के $5,000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने फीचर्स यहाँ पर चूज़ करें। इसकी प्राइसिंग दोनों के बीच में रहती है, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसकी जो बिजनेस प्लान की प्राइसिंग है वो ही अलोन $200 पर मंथ की। तो एंटरप्राइज प्लान जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव यहाँ पर चला जाता है। एंड जब हम लोग यहाँ पर इनके कोलैबोरेशन के बारे में देखेंगे क्लाउडवेज के ऊपर जो आपको यहाँ पर प्राइसिंग मिल रही है, मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पर, दैट इज़ जस्ट $5 पर मंथ। और अगर आपके और ज़्यादा डोमेन्स हैं, जैसे 5 से 10 डोमेन्स हैं, तो इसकी प्राइस और कम हो जाती है। 25+ डोमेन्स है तो $2 पर मंथ में हो जाती है। तो अगर आप लोग एजेंसी हो, फ्रीलांसर हो, तो इसके आपको काफ़ी फ़ायदे मिलने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आप लोग जो क्लाइंट्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, जैसे $10 चार्ज कर सकते हो, $20 चार्ज करते हो, एंड दे विल हैप्पीली पे फॉर द क्लाउडफ्लेयर एंटरप्राइज वर्जन जब आप उनको बताओगे कि इसके ये फ़ायदे हैं। और जो उसकी मार्केट प्राइस है वो ये है, $1,000 पर मंथ। और इसमें आपको यहाँ पे 100 GB का एंटरप्राइज CDN मिल जाता है, विच इज़ मोर देन इनफ फॉर मोस्ट पीपल। बट अगर आपका इसका ओवर यूज़ होता है, मान लो आपका यहाँ पर हो गया 110 GB, तो फिर आपको यहाँ पे $0.2 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, विच इज़ काफ़ी सस्ता है मेरे हिसाब से। इसके साथ साथ आपको DDoS प्रोटेक्शन मिल रहा है, WAF मिल रहा है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन मिल रहा है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन है, एंड PCI DSS कंप्लायंस है। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, वैसे आई यूजुअली रिकमेंड कि कोई सेपरेट पेमेंट प्रोवाइडर लो, लेकिन अगर आप लोग खुद स्टोर कर रहे हो तो दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे आ रहा है एट प्रेजेंट। एंड Rocket.net इज अनदर होस्टिंग प्रोवाइडर दैट इज प्रोवाइडिंग क्लाउडफ्लेयर एंटरप्राइज, उसको भी मैंने कवर किया था, वो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको भी एक बार चेकआउट कर लें। उसका प्राइसिंग थोड़े हाई साइड पर चले जाता है, लेकिन ये जो प्राइसिंग है ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी मिल जाता है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट फोर्स्ड अपॉन यू।
अब इसके हमने फायदे तो देख लिए, आपको यहाँ पर टेस्ट भी करके देखे हैं मैंने देखने के लिए कि कितना फर्क यहाँ पर आ रहा है, ताकि आप लोग अपने लिए खुद यहाँ पर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। तो ये मेरी वेबसाइट है KPCL टेस्ट, ये अभी क्लाउड बेस पे होस्टेड है। पहले ये मैंने इसको क्लाउड बेस और क्लाउड फ्लेयर फ्री वर्जन के साथ कनेक्ट करके इस पर टेस्ट रन करके देखे, देन क्लाउड बेस और क्लाउड फ्लेयर एंटरप्राइज वर्जन के साथ यहाँ पर मैंने टेस्ट करके कनेक्ट करके देखा है। तो पहले जब मैंने इस पर स्पीड टेस्ट रिजल्ट किया, अभी यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर का जो फ्री वर्जन है उस पर जब मैंने इस पर स्पीड टेस्ट किया, तो बैंगलोर से मुझे यहाँ पे स्पीड मिल रही थी 1.41 सेकेंड्स की, न्यूयॉर्क से जो स्पीड मिल रही थी वो थी अराउंड 2.5 सेकेंड की, विच इज़ गुड, नॉट दैट बैड। एंड जब मैंने यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर एंटरप्राइज वर्जन यूज़ किया, तो जो मुझे स्पीड मिली बैंगलोर से वो थोड़ी कम हुई है 1.23 सेकेंड्स की। यहाँ पर सिंगापुर के डेटा सेंटर्स है मेरे पास, और जब मैंने न्यूयॉर्क से टेस्ट किया तो दैट वाज 1.92 सेकेंड्स। तो जो मेन यहाँ पे फर्क दिखेगा वो दिखेगा आपको ऑल ओवर द ग्लोब, जो आपको CDN के थ्रू यहाँ पर एंटरप्राइज CDN के थ्रू जो स्पीड मिल रही है उस पर आपको ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। जिस लोकेशन में आपका डेटा सेंटर है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, जैसे डेटा सेंटर मेरा सिंगापुर में, तो US में आपको अच्छी स्पीड मिलेगी, यूरोप में अच्छी स्पीड मिलेगी, तो एंटरप्राइज CDN का जो मेन फर्क है तब आपको दिखेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे CDN लेटेंसी टेस्ट भी करके देखा है। ये जो है ये फ्री CDN है, यहाँ पे मैं फ्री क्लाउड फ्लेयर CDN यूज़ कर रहा हूँ, और देख सकते हैं आप लोग US पे यहाँ पे कितनी ज़्यादा मेरी स्पीड बढ़ रही है, 11.57 ms, 21 ms। ये लेटेंसी टेस्ट है CDN का, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको रेट भी दिख रहे होंगे। और जब मैंने यहाँ पर एंटरप्राइज CDN के ऊपर रन करके देखा, तो जो US में है दैट इज़ वेरी गुड, 1.74, 1.76 कंपेयर टू 11.21, इतना मुझे यहाँ पे फ़र्क देखने को मिला है, मोर देन 95% आई मस्ट से। और रेट भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही लोकेशन पर है, दैट इज़ दुबई, बाकी सारी लोकेशंस पर यहाँ पर जो लेटेंसी है वो काफ़ी कम मुझे देखने को मिली है, इनफैक्ट न्यूजीलैंड में भी यहाँ पर काफ़ी कम है। इसके डैशबोर्ड और इंटरफेस के बारे में बात करूँ, तो जैसे आप लोग लॉगिन करोगे और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लाउड फ्लेयर पे चले जाएंगे, क्लाउड फ्लेयर एंटरप्राइज दिख जाएगा, कौन कौन से फीचर्स है जो अभी एक्टिवेटेड है वो आपको दिख जाएंगे। फुल पेज कैश का ऑप्शन अभी नहीं आया है, ये मेरा डोमेन है जो अभी एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे मैं बैंडविड्थ कंज्यूम कर लिया 53 MB की, और मैं महीने में यहाँ पर 100 GB का यूज़ कर सकता हूँ, विच इज़ आई थिंक इज़ सफिशियंट। कैशिंग को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, और पर्च कर सकते हैं कैशे को, सिर्फ यही आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नहीं हैं, सिर्फ यही दो है, एक डोमेन ऐड कर सकते हो एंड देन यहाँ सर अपनी इनेबल और डिसेबल कर सकते हो कैशे को, दैट्स इट। इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए यहाँ पर एक हाउ टू आर्टिकल है क्लाउडवेज की वेबसाइट के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए हिंदी में तो वो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, अगर आप लोग हो तो जाके देख सकते हो, नहीं हो तो मेरे लिंक से परचेज करोगे तो आपको क्लाउडवेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ्री एंट्री मिल सकती है। नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन, आई थिंक जिस प्राइसिंग पे ये अभी आ रहा है $5 per month की, अगर आप लोग एक डोमेन के अंदर भी जाते हो तो एक काफ़ी सही प्राइसिंग पर यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है, स्पीड और सिक्योरिटी दोनों आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग एजेंसी हो या फिर अगर आपकी फ्रीलांसर हो, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे वॉल्यूम डिस्काउंट भी क्लेम कर सकते हो, और अपने क्लाइंट को यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हो, क्योंकि जो एंटरप्राइज लेवल वाले फीचर्स है अगर वो उसमें इंटरेस्टेड होगा तो डेफिनेटली ही विल पे फॉर इट। तो मेरे हिसाब से क्लाउड फ्लेयर एंटरप्राइज यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसको जो यूज़ करने का सिनेरियो है वो ये रहेगा, अगर आपकी वेबसाइट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे CDN का यूज़ करो, वो कुछ लोड ले लेगा वेब होस्टिंग प्रोवाइडर से। सेकेंड, अगर आपकी इंटरनेशनल ऑडियंस आ रही है तो क्लाउड फ्लेयर एंटरप्राइज CDN यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, आपकी जो ऑडियंस है वो इंडिया से ही आ रही है, आपकी ऑल ओवर द ग्लोब की ऑडियंस नहीं है, तो इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री वर्जन से भी आपका काम चल जाएगा। जब आपकी ट्रैफिक बढ़ जाए या फिर इंटरनेशनल ऑडियंस आने लग जाए तब फिर आप लोग तब आपके आपको यहाँ पर इसके ज़्यादा फायदे मिलेंगे। अब मैं भी यहाँ पर जो मेरा डोमेन है kripeshadwani.com उस पर काफ़ी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा। अगर अभी यहाँ पर आप लोग क्लाउड बेस्ड यूज़ नहीं कर रहे हो तो यूज़ करके देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी फ्री एंट्री मिल जाएगी, डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल जाएगा, तो इफ़ यू वांट यू कैन बाय थ्रू माय लिंक। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।